देखिए आज हमारे यहाँ कितने सारे पैरोट आए हैं, आप देख सकते हैं। जहाँ हरियाली होती है वहाँ पक्षी भी अपना बसेरा बना लेते हैं और खुश रहते हैं। गाइस हम आ गए हैं फिर से अपने गार्डन कॉर्नर में और हमने कर दी है इसकी नीट एंड क्लीन, अच्छे से कर दिया है और इसकी हो चुकी है अच्छे से सफाई, आप देख सकते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ के पौधे कहाँ गए। ये जो है इसमें ऑरेंज कलर का फ्लावर आता है, इसके ऐसे ही सेम ये प्लांट ऑरेंज लिली है, यहाँ पर था तो मैंने उसको हटा के ये जगह खाली कर दी और यहाँ पर मैंने सोया बो दिया है जो कुछ दिन में हमारे सामने होगा। और मैंने गुलाब अपने गुलाब की कर दी है कटिंग, क्योंकि अब आ चुका है गुलाब की कटिंग का टाइम। और इसी पे मेरी अपराजिता की बेल आप देख सकते हैं कितनी ग्रो कर रही है। और ये देखिए मैंने इसकी अच्छे से कटिंग कर दी है गुलाब की, जिससे इसमें नए रूट आ जाएंगे फिर से। और ये जितने भी पत्ती इसकी लीफ थी सूखी हुई वो सब मैंने नीचे डाल दिए, वो मिट्टी में मिक्स होकर खाद बन जाएगा। और आप देख सकते हैं मेरा लीची का प्लांट भी कितना बड़ा हो गया है। और ये वेलवेट फ्लावर की तो क्या बात कहूँ, आप देखिए कितना खूबसूरत और कितने सारे फ्लावर आए हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये मेहरबानी मेरे एलोवेरा की है। दोनों तरफ मदर प्लांट एलोवेरा के लगाए हुए हैं मैंने, इससे कोई भी प्लांट हो उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और ये देखिए मैंने अपने गुड़ैल की भी कटिंग कर दी है, जिससे नई ग्रोथ आए, इसकी नई ब्रांचेस आएंगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी इस पर। जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर पक्षी और गिलहरी अपने आप आने लगते हैं, आप देख सकते हैं मेरे प्लांट कोलियस और ये कलेशिया फ्रेग्रेंस, तो आप देख ही सकते हैं बिल्कुल कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये देखिए गुड़ैल भी मेरा ग्रो हो गया है, अब देखते हैं। ये देखिए चिली प्लांट भी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, मैंने इन सब पे एक कीड़े ना खाएं उसके लिए मैं 10 लीटर पानी में वो दवाई मिक्स करके सब पे स्प्रे कर दिया था मैंने। और गार्डन की कर दी है मैंने अच्छे से गुड़ाई। और ये देखिए भाई परसों बारिश आई थी बहुत तेज़, तो बारिश के बाद पेड़ पौधों को गुड़ाई की ज़रूरत होती है, तो मैंने अच्छे से इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर दी है, जो मिट्टी में काई जम जाती है और जिससे कि मिट्टी अच्छे से सूख जाए और प्लांट हमारे प्लांट को कोई नुकसान ना हो। और अच्छे से मैंने मिट्टी को दबा दिया है जिससे हमारे पेड़ पौधे उखड़े नहीं। और आप देख सकते हैं इसमें चिली के फ्लावर आ रहे हैं, चिली आने वाली है। और इधर भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, पत्ते गिर गए थे वो सब मैंने झाड़ू से हटा दिए हैं और गमलों को अच्छे से सेट कर दिया है। आप देख सकते हैं सिंगोनियम भी कितना खूबसूरत लग रहा है और अरेलिया की तो क्या बात। ये देखिए अरेलिया प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देखिए मेरी अपराजिता की बेल कितनी हेल्दी और घनी हो चुकी है और कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए मरुआ और इस पर भी आप देखिए कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं। इतने एक प्लांट में जब इतने फ्लावर आने लगे तो आप समझ जाइए। और ये देखिए तितली भी आ चुकी है हमारे पास, हमारे गार्डन में आप तितली देख सकते हैं। जहाँ हरियाली होगी वहाँ पेड़ पौधे और तितलियाँ अपने आप अपनी जगह बना लेते हैं। मेरी गिल्लू आती है यहाँ पर, ये उसको ग्राउंड नट बहुत पसंद है और आप देखेंगे ये वो खाकर चली जाएगी और बहुत चाव से खाती है, उस वो छीलना खुद ही जानती है, उसे ग्राउंड नट्स बहुत पसंद हैं। और ये देखिए तितली, कितनी खूबसूरत लग रही है। और देखिए मेरी तुलसी कितनी गहरी है, मेरी 12 मास तुलसी ऐसी ही रहती है।
सकते हैं। मैंने ये एक मिक्सी का जार था जो टूट गया था, तो इसका भी मैंने यूज़ ले लिया अपने प्लांट के लिए। मेरे ये वाले प्लांट के साइड में मिट्टी से गिर रहे थे। ये है मैक्सिकन पिटूनिया और गुलदाउदी, तो इन दोनों को इससे सपोर्ट मिल गया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम आ गए अपने टेरेस पे और देखते हैं हमारे कौन कौन से नए प्लांट ऐड हुए हैं इसमें। ये क्या था, गिरगिट, देखिए मेरी तुलसी, गुलदाउदी और ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। वंडरिंग्स यू, बॉट लिली, लिली, रेन लिली, अपराजिता, कोलियस एलोवेरा। और मेरे कुछ गमले बाकी हैं जिन्हें मैं फिर से मिट्टी फिल करूंगी और प्लांट लगाने वाली हूँ मैं टेरेस पे। और आप देख सकते हैं मेरे इसमें सारी कटिंग लग गई हैं। आखिर ये बाल्टी मेरी सक्सेस हुई, इसका भी मैंने यूज़ ले लिया। कलेशिया फ्रेग्रेंस, सदाबहार, विनका, चंपा, सारी कटिंग ग्रो हो चुकी है मेरी। ये देखिए स्नैक प्लांट और कॉलियस साथ में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये है ऑरेंज लिली, इसको भी मैंने गमले में शिफ्ट कर दिया है। ये फैले ना इसलिए मैं इसको धागे से बांध दिया है। और ये देखिए मरुआ मैंने यहाँ भी लगा दिया है, स्नैक प्लांट, मैक्सिकन पिटूनिया। और ये देखते हैं हम, हमारा मनी प्लांट भी ऊपर की ओर ग्रो हो रहा है और अपराजिता की बेल भी ऊपर की ओर ग्रो हो रही है। कलेशिया फ्रेग्रेंस, मैक्सिकन पिटूनिया, ये देखिए। और कुछ प्लांट मैंने यहाँ डेकोर कर दिए हैं इस तरह से, वाटर बॉटल में, इस तरह छोटे डब्बे बॉक्स होते हैं मेरे पास सब में। स्नैक प्लांट ये है, बॉट लिली, स्नैक प्लांट, कलेशिया फ्रेग्रेंस, ये देखिए मनी प्लांट और बॉट लिली, ये स्नैक प्लांट, ये देखिए स्नैक प्लांट, कोलियस, कितना खूबसूरत लग रहा है एंट्रेंस में। और ये मेरा फैमिली बोट, द लव ऑफ ए फैमिली इज लाइफ ए ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। यहाँ मैंने ओम लगा दिया है। ये मेरे और ऑरेंज लिली के प्लांट हैं जिस पे ऑरेंज फ्लावर आएगा, वो महादेव को चढ़ता है। इसके लिए मैं गमले वाला आएगा तो गमले लूँगी और उसमें इसको भी अरेंज कर दूँगी। हम टेरेस पे कपड़े सूख चुके हैं, सारे कपड़ों को मैं उठा लेती हूँ। देखिए मेरे कपड़े मैंने सारे निकाल, यहाँ से कपड़े उठा लिए हैं, सब सूख गए हैं। और अब आपको दिखाती हूँ, आप सामने देख रहे हैं इस पेड़ की ग्रोथ, इसकी हाइट देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बड़ी है। ये देखिए इसकी आज हमने कटिंग करवा दी है, तो काफ़ी स्पेस हो गया है यहाँ पर। देखिए धूप पूरी आ रही है, ये बेलपत्र का पेड़ है तो इसको अच्छी धूप भी मिलेगी। और यहाँ पर हम सपोर्ट के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से रस्सी वगैरह बांध देंगे, तो धूप में चेयर वगैरह लगा के बैठ सकते हैं। यहाँ पूरा मिट्टी फैला देंगे और आगे हम यहाँ पे दिवाली पे सफाई करवा के अच्छी सी जगह बना देंगे सामने। पेड़ पौधे हम जितने लगाएं हमें उतनी ही ऑक्सीजन मिलती है। ये हम इसलिए घर के सामने आप लोग भी इसी तरह पेड़ पौधे लगाएं, जितने पेड़ पौधे होंगे वहाँ उतने ही पक्षी भी बहुत आते हैं और उनको भी रहने के लिए घर मिल जाता है। और पेड़ हमें छाया भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। देखिए कितना घना हो चुका है हमारा बेलपत्र का पेड़, कड़ी पत्ता भी हमारा कितना घना है। देखिए हमारा गार्डन कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। गुलाब, अगर आप चाहते हैं आपके गुलाब में भी अच्छे फ्लावरिंग हो तो आप भी, अब टाइम आ चुका है गुलाब की कटिंग करने का। मैंने तो कर दी है और आप लोग भी कर दीजिए कटिंग और अपने गार्डन की कीजिए साफ़ सफाई, दिवाली आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।